नमस्कार, मैं हूं जम्मू आनंद, करता हूं सीधी बात। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे महाराष्ट्र में अलग अलग बयान और एक अलग परिस्थिति निर्माण होते जा रही है, जहां एक तरफ सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ये है कि क्या अजीत पवार दो तिहाई आमदारों को, एमएलए को अपने साथ ला पाएंगे या नहीं, ये एक एक्स प्रश्न बना हुआ है। क्योंकि दो तिहाई बहुमत का मायने कम से कम 36 आमदार, और दूसरी तरफ हर बीते दिन यह भी खबर अखबारों में छपती है कि पहले जो आमदार गए थे उसमें से इक्का दुक्का वापिस फिर काका के पास, मतलब शरद पवार जी के पास लौट रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ मन लोगों का बदल रहा है। खैर, जो भी हो, और दूसरे तरफ सबकी निगाहें इस ओर भी टिकी है कि विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उन्होंने शिवसेना के दोनों खेमों के एमएलए को नोटिस बजाई है। इसलिए ये भी बहुत दिलचस्प होते जा रहा है कि क्या सबसे पहले 16 आमदार शिंदे गट के, जिसमें स्वयं शिंदे हैं, उनका क्या होगा। खैर, ये होते रहेगा, लेकिन एक और बड़ा सवाल लोगों के जहन में है, लोगों के चर्चे में है, राजनीति के गलियारों में चर्चे में है, और वो ये चर्चा है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि देश के प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री अपने अहंकार के चलते अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास, अति विश्वास के चलते वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकट तो निर्माण नहीं कर रहे हैं? ये इसलिए भी सवाल उठना जरूरी हो गया है, या इसलिए भी लोग इस पर चर्चा करने लगे हैं कि अगर 2024 का चुनाव लोकसभा का बहुत ही देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए, आरएसएस के लिए एक निर्णायक महत्वपूर्ण चुनाव होने अगर जा रहा है, तो फिर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को किस तरीके से घेरेगी। क्योंकि एक तरफ पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि विपक्ष का मतलब भ्रष्टाचार, और वो इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए हैं, वो भ्रष्टाचार पर किसी प्रकार का समझौता करने वाले नहीं हैं। और उन्हीं की लाइन में अगर हम देखते हैं देश के अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों का तो नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के बीजेपी के जो नेता, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनकी जो पूरी भूमिका रही है, खास करके 2019 के चुनाव, वो ये रही है कि महाराष्ट्र के
सबसे भ्रष्ट राजकीय पार्टी अगर कोई है तो वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। और इसलिए उन्होंने ये कसम खाई थी कि उनकी सरकार बन जाए, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, तो फिर अजीत पवार चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, और दूसरा चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने उसको इस तरीके से कहा, एक बार का अविवाहित रहना पसंद करेंगे लेकिन शादी नहीं बनाएंगे। मतलब एक बार का सरकार के बाहर रहना पसंद करेंगे लेकिन एनसीपी के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, राजनीति में जिस प्रकार के बदलाव आते चले गए, राजनीति जिस तरीके से करवट बदलते चले गई, वही देवेंद्र फडणवीस अब ये कहते हैं कि मैंने जो कहा था कि फिर से आऊंगा तो मैं आ गया और साथ में औरों को भी लाया। अब ये बयान कितना हास्यास्पद है, कितना मतलब राजनीति में जो मूल्यों की बात है, उन मूल्यों की पूरी ऐसी तैसी करने वाला बयान जो कल उन्होंने दिया। और ये पूरी कड़ी को नरेंद्र मोदी, जिन्होंने मध्य प्रदेश में नाम ले लेकर पार्टी का नाम और उस नाम पे जो बड़े घोटाले वो गिनाते चले गए, और टारगेट एनसीपी, और तीन दिन के बाद जिन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने की बात कर रहे थे, जिनको जेल की हवा खिलाने की बात कर रहे थे, वही नरेंद्र मोदी जेल की जगह उन तमाम भ्रष्ट राजनेताओं को, एनसीपी के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दे दी। तो वही सवाल अब खड़ा हो रहा है कि एक तरफ अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि विपक्ष जो है ये भ्रष्टाचार का पर्यायी वाचक है, तो फिर दूसरे तरफ विपक्ष के भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल क्यों किया जा रहा है, और बीजेपी में शामिल कराने के बाद उनको बकायदा मंत्रिमंडल के पदों से नवाजा भी जा रहा है, तो फिर ये कैसा भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई है। और विपक्ष के अंदर भ्रष्ट नेताओं को ही अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शामिल कर लेना हो तो फिर यह सवाल पैदा होना बहुत ही स्वाभाविक है कि फिर विपक्ष में भ्रष्टाचारी बचेंगे कहां, और जब विपक्ष में भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं तो फिर ये जो बीजेपी है जिसका सबसे बड़ा यूपीएस 2014 के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ का जंग बना हुआ है, तो फिर यह भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से 2024 में विपक्ष को भ्रष्टाचार के मसले पर घेरने जा रही है, कैसे वो घेर पाएगी। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा तुर्क का पतला है, पत्ता है भ्रष्टाचार, वही अगर स्वयं नरेंद्र मोदी उसी को खत्म करने में लगे हैं तो फिर 2024 का चुनाव विपक्ष को किस मुद्दे पर घेरने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और कितना मतलब
शायद आरएसएस अपने 97 वर्ष के इस पूरे सफर में इतना बेसहारा, बेबस, बेहाल अवस्था में कभी नहीं आया होगा कि जो आरएसएस भ्रष्ट नेताओं को, भ्रष्ट मंत्रियों को, और सिर्फ भ्रष्ट मंत्रियों को, दूसरा कोई शामिल नहीं हो रहा है, ये बीजेपी में शामिल करवाने की जो एक पूरी प्रक्रिया इस देश के अंदर चली है, आरएसएस खामोश। क्या हुआ है इस आरएसएस को जो नीतिमत्ता की बात करती थी, जो आरएसएस ईमानदारी की बात करती थी, जो आरएसएस चाल चरित्र चलन की बात करती थी, आज वो आरएसएस इतनी बेबस क्यों हो गई है? ऐसा लगता है कि राजा जब अहंकारी हो जाए तो वो खुद अपने लिए कब्र खोद लेता है। ठीक उसी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी की अवस्था बन रही है, या मैं कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं भारतीय जनता पार्टी की वो अवस्था बनाते चले जा रहे हैं। इसलिए 2024 में आते आते शायद एक परिस्थिति ऐसी निर्माण हो जाएगी कि विपक्ष भ्रष्टाचारियों से मुक्त और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों से लबालब। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।